हेलो फ्रेंड्स, तो जवान के फैन फिक्शन के पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। लेकिन हाँ, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक जवान फैन फिक्शन के पार्ट वन को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, क्योंकि भाई वहां पे जो कहानी मैंने छोड़ी है वहीं से यहां पे कंटिन्यू की है। तो इसलिए जब तक पार्ट वन को नहीं देखोगे तब तक इसको देखने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो इसलिए पार्ट वन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर जाके पहले पार्ट वन को देख लो और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि कैसे जवान के पिता को मारा गया, उसकी माँ को जेल भेजा गया, फिर जवान बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन गया, फिर बाद में जाकर उसे गर्ल्स की स्मगलिंग के बारे में पता चला, विजय सेतुपति के इरादे पता चले एंड विजय सेतुपति ने उसे और उसकी टीम को मारकर खाई में फेंक दिया। लेकिन कुछ गाँव वालों ने उन्हें बचा लिया, उन्होंने गाँव वालों के लिए फाइट भी की और फिर आखिर में जवान ने फैसला किया कि अगर एक हीरो बनकर वो अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता तो अब विलन बनकर करेगा। अब आगे तो अब आगे हम देखते हैं कि जवान और उसके सारे साथी अल्लू अर्जुन को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाते हैं। और अब हमें 2 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जवान और उसके बाकी के 4 साथी एक घर में अपना बेस बना लेते हैं। और यहां उन्हें पता चलता है कि बहुत जल्द कुछ ट्रक्स में लड़कियों को भरकर इंडिया से बाहर भेजा जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, उनको ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये रैकेट चलाने वालों का सीक्रेट बेस आखिर है कहां, आखिर ये लोग सभी लड़कियों को कहां से इकट्ठा करते हैं। तो अब जवान कहता है कि ये बात तो हमें उस ट्रक से ही पता चलने वाली है। तो इसलिए अब ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां से वो ट्रक्स गुजरने वाले थे। आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग ट्रक्स के आने का वेट करते हैं और जैसे ही ट्रक्स आते हैं तो जवान और उसकी टीम अपना भेस बदल कर उन ट्रक्स का पीछा करते हैं और उनको रास्ते में ही रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यार, उन ट्रक्स के आजू बाजू कुछ और भी गाड़ियां होती हैं जिनमें विजय सेतुपति के गुंडे बैठे होते हैं और इसलिए वो लोग जवान और उसके साथियों पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, लेकिन अफसोस जवान के बाकी 4 साथी यहाँ पे मारे जाते हैं, जिससे कि जवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मोटरसाइकिल को जंप करवाकर ट्रक के ऊपर चला जाता है। अब जवान उस ट्रक के ऊपर ही उनसे लड़ना शुरू कर देता है, उनको हराता है और फिर उस ट्रक से कूदकर 3-4 बॉम्ब बाकी गाड़ियों में फेंक देता है, जिससे कि ट्रक्स के अलावा बाकी सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है। एंड फिर जवान उन ट्रक से सारी लड़कियों को बाहर निकालता है, जिसमें उसके जेल की ही 5 लड़कियां होती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लड़कियां जवान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और जवान उनको अपने साथ घटी सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद जवान उन लड़कियों को लेकर अपने बेस पे आता है और उनसे कहता है, ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस तरह रोज दूसरे देशों में बेची जाती हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए है जो आज भी अपनी आज़ादी का इंतजार कर रही हैं। तो अब ये सब कुछ कहने के बाद जवान इन सभी लड़कियों को अपना साथी बना लेता है और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। और अब ये सभी लोग मिलकर उन स्मगलर्स के बेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहां से इन लड़कियों को इन ट्रक्स में कैद करके बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लड़कियों को तो पता ही होगा ना कि इनको कहां पे कैद किया गया था, बट रियलिटी में इन लड़कियों को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि इन लड़कियों को कैद करने से पहले बेहोश कर दिया गया था और जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने अपने आप को ट्रक्स में पाया था। तो अब ये लोग अपनी रिसर्च में लगे ही हुए थे कि इनको पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कीम में फिर एक लड़की को मॉस्को भेजा जा रहा है और इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग उस लड़की को मॉनिटर करेंगे कि आखिर वो किसके साथ जा रही है, कैसे जा रही है और कहां जा रही है। वहां दूसरी तरफ हमें नैनतारा और सुनील ग्रोवर दिखते हैं, जिनके पास एनएसजी की तरफ से एक केस आता है कि जवान अभी भी जिंदा है। दोस्तों, असल में जब जवान ने उस ट्रक को रोका था तो एक गुंडे ने विजय सेतुपति को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और इसलिए अब वो अपने पावर का फायदा उठाकर जवान को मारने का ऑर्डर दे देता है और अब नैनतारा उसी काम में पूरी तरह से लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जवान की एक टीममेट उस लड़की का पीछा करती है जिसे मॉस्को भेजा जाने वाला था। वो ऑब्जर्व करती है कि उस लड़की को पहले मेट्रो से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाया गया और फिर उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर ही एक सबवे का रास्ता होता है, जिसके अंदर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड गोडाउन होता है जहां पे ले जाकर सभी लड़कियों को कैद कर दिया जाता है। एंड ये गोडाउन एग्जैक्टली उस मेट्रो स्टेशन के नीचे था। तो दोस्तों, अब फाइनली जवान और बाकी लड़कियों को उन स्मगलर्स के अड्डे के बारे में पता चल चुका था और इसलिए जवान अब उन लड़कियों से कहता है, रेडी हो जाओ गर्ल्स, अब पूरे ट्रेन को हाईजैक करने का समय आ गया है।
वहाँ दूसरी तरफ पूरे शहर की पुलिस और एनएसजी कमांडोस जवान को ढूंढ रही होती है, और बस इसलिए ही अपनी पहचान छुपाने के लिए जवान अपने सर के ऊपर एक विग पहन लेता है जो कि एक बाल्ड लुक वाला विग होता है। तो हाँ भाई, रियल में जवान यहाँ पे टकला नहीं होता, वो बस एक विग है। एंड फिर वो अपने फेस पे भी पट्टियां बांध लेता है और फिर सभी लड़कियों के साथ मिलकर मेट्रो में चला जाता है। अब जैसे ही मेट्रो स्टेशन से निकलती है तो ये सभी लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं और फायर कर देते हैं और पूरे मेट्रो को ही हाईजैक कर लेते हैं। अब दोस्तों, मेट्रो को हाईजैक करने का बस एक ही रीजन था, और वो था पूरे सिस्टम की बजा डालना और पूरे शहर के सामने उस दूसरे मेट्रो स्टेशन के नीचे हो रही स्मगलिंग का पर्दाफाश करना। यहाँ पे जवान खुद ही एनएसजी और नयनतारा को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसने पूरे मेट्रो को हाईजैक कर लिया है, और वो उनको उस मेट्रो स्टेशन के बारे में भी बताता है जहाँ पे वो ब्लास्ट करने वाला है, जिसके कारण ही पूरी पुलिस फोर्स और एनएसजी वाले उस मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मेट्रो के अंदर जवान एक बॉम्ब को अपने साथी लड़की को पहनाता है और सबसे कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, अब बचेगा प्यारा सा नन्हा सा गाना, और गाना खत्म होने पे मैं जिसके पास भी पहुंचूंगा उसे ये बॉम्ब जैकेट पहना दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर मेट्रो के सारे लोग डर जाते हैं और जवान अपनी पट्टियां खोलकर बेकरार करके हमें यूं ना जाइए गाने पे नाचने लगता है। तो अब जैसे ही ये गाना शुरू होता है तो जवान पागलों की तरह नाचने लगता है और उस इंसान के पास पहुंचता है जिस इंसान को उसकी टीम मेंबर ने पिछली बार लड़कियों की स्मगलिंग करते देखा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जवान का प्लान कुछ और ही था। वो नाचते नाचते एक छोटा सा मोबाइल बम उस आदमी के पॉकेट में डाल देता है और गाना खत्म होते ही वापस अपनी टीम मेंबर के पास ही आ जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जवान उन सभी पैसेंजर से कहता है, मैं तुम सभी को अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी, जोर से भागना, जोर से, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलेगा उसके सिर्फ 3 मिनट बाद ही पूरा स्टेशन इस बॉम्ब से उड़ जाएगा। और हाँ, सेफ्टी के लिए ये पट्टियां पहन लो तुम लोग, अगर बॉम्ब फट गया तो कम से कम चेहरा तो बच जाएगा तुम सबका। तो दोस्तों, अब यहाँ एक तरफ सारे पैसेंजर्स को पट्टियां पहना दी जाती है और दूसरी तरफ नयनतारा के साथ पूरी पुलिस फोर्स मेट्रो स्टेशन को कवर कर लेती है। और जैसे ही ये मेट्रो ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो उसका दरवाजा खुलते ही सभी लोग हड़बड़ी में वहां से भागने लगते हैं, जिनके बीच रहकर जवान और बाकी की लड़कियां भी वहां से निकल जाती है। एंड यस, यहां पे मैं बता दूं कि उस लड़की पे जो बॉम्ब था वो नकली था, क्योंकि असली बॉम्ब तो वो छोटा सा मोबाइल बॉम्ब था जो कि उस स्मगलर के पॉकेट में है, जो कि इस मेट्रो स्टेशन से निकलकर सीधा उस नीचे गोडाउन में जाने वाला था। और अब जैसे ही वो गोडाउन में जाता है तो उसके पॉकेट में रखा मोबाइल बम ब्लास्ट हो जाता है और उसके जस्ट पीछे से जवान अंदर आता है। यहाँ पे जवान का लुक फिर से चेंज हो जाता है और वो अपने मुंह में एक सिगार लेकर वहाँ बैठे सारे स्मगलर से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे काफी अच्छी फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है जहाँ पे जवान अपने बेल्ट को निकालकर उन गुंडों को बहुत मारता है। जवान के पीछे से सारे एनएसजी कमांडोस और नयनतारा भी वहां पे आते हैं जहां पे उनको इन स्मगलिंग वाली सारी चीजें पता लग जाती है। लेकिन हाँ, तब तक जवान सभी गुंडों को पीट कर वहां से निकल चुका था। अब उस गोडाउन से सक्सेसफुली सारी लड़कियों को बचा लिया जाता है और सारे गैंग मेंबर्स को भी पकड़ लिया जाता है, और अब बस आखिर ये रैकेट कौन चला रहा है ये पता करना बाकी था। विजय सेतुपति सबको गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके पीछे भी जवान का ही हाथ है। एंड यार, जवान भी यही चाहता था कि लोग उसके पीछे ही आए, क्योंकि अब उसे अपनी माँ को किया वादा निभाना था, उन्हें भी निर्दोष साबित करना था। यहाँ पे जवान खुद ही अपनी लोकेशन एनएसजी को भेजता है और कुछ देर में ही सारी पुलिस फोर्स और एनएसजी कमांडोस उसके बेस तक पहुंच जाते हैं और नयनतारा माइक पे चिल्ला रही होती है कि जवान सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग को ही हमें उड़ाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम उस सीन में पहुंच चुके हैं जो कि हमने इस फैन फिक्शन की शुरुआत में देखा था, मतलब कि पार्ट 1 के शुरुआत में जो हमने सीन देखा था ना, तो अब उस सीन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि नयनतारा कहती है कि मैं 10 तक गिनूंगी और अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। फिर वहां दूसरी तरफ हम जवान को देखते हैं जो कि उन गुंडों से लड़ने के कारण थोड़ा सा घायल हो चुका था और बस इसलिए वो अपने चेहरे पे मास्क पहन लेता है और मस्त हंसते हुए अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। और अब जैसे ही नयनतारा 10 तक गिनती है तो जवान अपने पैरों से डायनामाइट का लीवर दबा देता है, जिससे कि उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक झटके में ही सभी लोग दूर जा गिरते हैं। वहाँ ऊपर से विजय सेतुपति भी एक हेलीकॉप्टर से जवान के बेस पे हमला करने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि ऊपर से विजय सेतुपति एक हेलीकॉप्टर से जवान के बेस पे हमला कर देता है और यहाँ नीचे से नयनतारा और सुनील ग्रोवर अपनी टीम के साथ उस घर के अंदर घुस जाते हैं। और दोस्तों, अब पहली बार उस घर के अंदर जवान और नयनतारा आमने सामने आते हैं और दोनों में काफी अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है, और यार ये एक बहुत ही एपिक फाइट सीक्वेंस होती है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जवान को किसी भी तरह से उस हेलीकॉप्टर में घुसना था जिसमें विजय सेतुपति है। यहाँ पे विजय सेतुपति ऑर्डर दे देता है कि जवान के कैंप को उड़ा दिया जाए।
दूसरी तरफ जवान अपने घर के छत पे आ जाता है और उसके पीछे नयनतारा भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल अटैक करवा दिया जाता है। जवान किसी तरह से जंप मारकर उस हेलीकॉप्टर के अंदर चला जाता है जहां पे विजय सेतुपति होता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इस बार वो विजय सेतुपति को बहुत मारता है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये हेलीकॉप्टर उसी महिला जेल की तरफ आ जाता है और जवान विजय सेतुपति को लेकर उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और फिर उसे घसीटते हुए उस जेल के अंदर ले जाता है। अब इस जेल के अंदर जवान की बाकी गर्ल आर्मीज भी पहले से मौजूद होती है जो कि पूरे जेल के अंदर सारे कैमरास और माइक्स को इंस्टॉल कर चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि जेल के बाहर नयनतारा भी अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुंच चुकी होती है लेकिन वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि जवान की जो बाकी गर्ल आर्मीज थी वो उनसे कहती है कि अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो सेतुपति को मार दिया जाएगा। यहां जेल के अंदर जवान सभी औरतों के सामने विजय सेतुपति का सारा सच उगलवा देता है कि आखिर कैसे वो भोली भाली लड़कियों की स्मगलिंग करता था और जवान की माँ को फंसाने और बाप को मारने के पीछे भी उसी का हाथ था। एंड वो जो कैमराज और माइक्स को उस जेल में इंस्टॉल किया गया था उसके वजह से पूरे शहर में लाइव कवरेज चल रही होती है। तो दोस्तों बेसिकली अब विजय सेतुपति का सच पूरे इंडिया के सामने आ चुका था और इसलिए ही अब नयनतारा और उसकी आर्मी को भी अंदर आने की अनुमति दे दी जाती है। अंदर आने के बाद नयनतारा विजय सेतुपति को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन तभी विजय भी एक रिमोट का बटन दबा देता है जिससे कि जेल के बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यार असल में विजय सेतुपति भी कम नहीं था, उसने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। और अब ब्लास्ट के बाद कई नक्सली आतंकवादी वहां पे आ जाते हैं और ये तादाद बहुत बड़ी होती है। वो पूरा जेल आतंकवादियों से भर जाता है और फिर यहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाती है बट यहाँ पे पूरी एनएसजी टीम और जवान मिलकर भी उनको नहीं रोक पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेल की सारी महिलाएं उन नक्सलियों पे हमला कर देती है और अब एक जगह हम जवान और विजय सेतुपति को लड़ते हुए देखते हैं और विजय सेतुपति जवान को गोली मारने ही वाला होता है बट तभी हम देखते हैं कि विजय सेतुपति के हाथ में कोई अपनी गन से फायर कर देता है जो कि होते हैं नन अदर देन अपने थलापति विजय जो कि असल में इंडियन आर्मी के चीफ कमांडर थे। और यहाँ पे थलापति विजय के साथ संजय दत्त भी होते हैं जो कि उसी आर्मी का हिस्सा थे और जवान के काफी अच्छे दोस्त भी। एंड फिर हम देखते हैं कि उस जेल में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और फिर शुरू होती है एक एपिक फाइट। जवान, थलापति विजय और संजय दत्त मिलकर उस सेतुपति को बहुत मारते हैं और फिर आखिर में विजय सेतुपति के साथ उन सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है और फिर जवान उस विजय सेतुपति को पूरे इंडिया के सामने यानी कि जो लाइव कवरेज चल रही थी ना न्यूज़ पे तो पूरे इंडिया के सामने उस पे बंदूक तानते हैं और कहते हैं वो नारी ही है जिसकी वजह से सारा संसार गतिमान है, वो है तो माँ का आंचल है, वो है तो भाई की कलाई पर राखी है। एक नारी वो रानी लक्ष्मी बाई है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। नारी वो मदर टेरेसा है जो सहायता करना जानती है। और ऐसी नारियों को अगर कोई बेचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक बंदूक की गोली तो बहुत छोटी सी सजा होगी। और इसलिए रेडी गर्ल्स, जिसपे पूरे जेल की औरतें कहती है रेडी। और फिर उस जेल की सभी औरतें विजय सेतुपति पर पथराव करना शुरू कर देती है। चारों तरफ से उस पे पथराव हो रहे होते हैं। विजय सेतुपति के शरीर का एक एक हिस्सा चीख रहा होता है, उसके शरीर का पूरा हिस्सा खून से लथपथ हो चुका होता है। लेकिन इस लाइव कवरेज को देखता हर एक भारतीय वासी गर्व महसूस कर रहा होता है। देश की हर माँ और बेटी खुशी के आंसू रो रही होती है और यहाँ से विजय सेतुपति की मौत हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि फाइनली जवान की आंखों से आंसू निकलते हैं कि आखिरकार उसने सभी लड़कियों को बचाने के साथ साथ अपनी माँ के ऊपर लगे कलंक को भी मिटा दिया है। मूवी के लास्ट में जवान को पूरे सम्मान के साथ आर्मी में दोबारा भर्ती कर लिया जाता है और थलापति विजय उसे मेडल पहनाते हैं और संजय दत्त जवान को अपने गले लगा लेते हैं और फिर यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। यार अगर पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा फील हुआ। एंड यार प्लीज एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर छोड़कर जाना ताकि इस वीडियो की थोड़ी एंगेजमेंट बढ़े और यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए क्योंकि आप लोगों के इस छोटे से काम से ही मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सकता है। सो प्लीज ये छोटा सा काम कर देना। और अगर आप लोग मेरी बाकी की फैन फिक्शंस भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोग एसआरके के फैंस हो, एसआरके की मूवीज देखना पसंद करते हो तो भाई ये रही रावण 2 की फैन फिक्शन, इसको जरूर देख लेना। या फिर डॉन 3 की भी देख सकते हो, इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा आप सबको। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।